इसके साथ साथ साइटोप्लाज्म जो होता है उसकी कंसिस्टेंट देखें तो कंसिस्ट करता है एक्वस जो होती है ग्राउंड सब्सटेंसेस जो होते हैं वो जो के वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि वैरायटी ऑफ जिनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स एंड अदर जो इन वो भी शामिल होते हैं लाइक ऐसा जो इनसॉल्युबल इन और दूसरे जो स्टोरेज प्रोडक्ट्स होते हैं तो जो सॉल्युबल पोर्स दलुबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म दैट इज नोन एज साइटोसोल एंड इट फॉर्म्स द ग्राउंड सब्सटेंसेस ऑफ द साइटोप्लाज्म केमिकली uh, इसके अंदर जो है नब्बे फीसद जो है वो वाटर होता है और ये सोल्यूशन जो है एक ऐसा सोलूशन बनाता है जिसके अंदर फंडामेंटल मालिक्यूल होते हैं लाइफ के वो शामिल होते हैं और साइटोसोल के अंदर छोटे मालिक्यूल होते हैं और आइन्स होते हैं वो भी होते हैं वो जो कि मिल के एक ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं और कुछ लार्ज मालिक्यूल जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं कोलाइडल सोल्यूशन बना देते हैं कोलाइडल सोल्यूशन हम जानते हैं कि दो तरह का होता है सोल और जेल सोल जो होता है वो नॉन विस्कस और जेल जो होता है वो विस्कस होता है गाढ़ा होता है इस तरह जो पेरीफिर पार्ट्स होते हैं सेल के वो भी जेल की तरह नजर आते हैं गाढ़े विस्कस नजर आते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शन साइटोप्लाज्म का है ये स्टोरेज हाउस के तौर पर काम करता है बहुत सारे केमिकल्स के लिए और ये इसके अंदर जो है लाइक इट इज ए साइट फॉर द डिफरेंट मेटाबॉलिकल प्रोसेस सच एज ग्लाइकोलाइसिस लिविंग सेल्स जो होते हैं उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेवरल ऑर्गेनल्स के ऊपर मुश्तमल होता है सच एज

तो ये साइटोप्लाज्म से जो है एक सा था। होते हैं और की डेफिनेशन, इसका फंक्शन केमिकल्स का होता है तो ये एग्जाम्स के अंदर जो है ये भी रिपीट होते हैं इसमें कम वाटर की कंसेंट्रेशन जो है कितनी होती है नब्बे वाटर जो है इसमें मुश्किल होता है इसमें अंदर कंसिस्ट होता है तो ये छोटा सा टॉपिक था अबाउट साइटोप्लाज्म नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को